मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये खबर पीड़ा दे रही है। आप बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, मगर यहां संवेदनाएं तार तार हो रही हैं। आप सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, आखिर कहां चूक हो गई? आपके शासन में मरीज मजबूर है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, ठेले पर अस्पताल जाना पड़ता है। सीएम साहब, आपके राज पे प्रजा क्यों परेशान है, क्यों मजबूर है? क्या वजह है कि आप जनता के बीच जाते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, जनता की खुशहाली की बात करते हैं, मगर जमीनी स्तर से जब ऐसी खबरें और तस्वीरें आती हैं तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। जरा इस खबर को जान लीजिए कि आपके राज में हुआ क्या है। दरअसल एक कैंसर पीड़ित मरीज का परिवार अस्पताल से एम्बुलेंस आने का इंतजार करता रहा। जब लंबे इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो मरीज की बिगड़ती हालत को देख परिवार इतना विवश हो गया कि मरीज को ठेले पर अस्पताल लेकर पहुंचा, और जब वो अस्पताल में पहुंचा तो इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। तो आपके राज में मृत व्यक्ति को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। आखिरकार उसी ठेले पर परिवार वालों को शव घर लाना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ये सब मूक दर्शक बनकर देखता रहा। ये पूरा मामला छतरपुर का है। मृतक का नाम महेंद्र बंसल है। महेंद्र के परिवार की महिला यशोदा बंसल ने बताया कि महेंद्र का इलाज लंबे समय से जबलपुर में चल रहा था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार ना होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी। घर पर महेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उस कारण एम्बुलेंस से उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस पे बार बार फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और ठेले से उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस ना मिलने के कारण शव को ठेले पर ही घर वापस लाना पड़ा। यशोदा ने यह भी बताया कि हमने कई बार एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया, लेकिन वहां से हमें कोई उत्तर नहीं मिला। तो दो तीन दिन इंजेक्शन लगा उतरा है और वाटर चढ़ाते थे, ठंड लगाती थी, वाटर हमने चढ़वाया नहीं है, ठंड लगन लगाती है। तो उन्हें रेफर कर दिया जबलपुर को, तो जबलपुर में दो तीन दिन पारे जाए, फिर उनके वो तो कंप्यूटर आउट है, कहे भाई इसको सहारने पाओने, इसको ऑपरेशन, इसको तुम तो दम नहीं है इसमें, तो तुम घर ले जाओ। अब इस मामले में बीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीएमओ ललित उपाध्याय का कहना है कि शव वाहन की मरीज के परिजनों ने डिमांड ही नहीं की थी और यह नगर पालिका के अधिकार का क्षेत्र है। सब वाहन के लिए लोगों ने भी डिमांड नहीं करी अपनी, और चूंकि वो नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में आता है और वो लोग जल्दी जल्दी में इसको लेकर चले गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।